हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल टूल्स इन्फो 1232 पर। जैसे कि आज जो वीडियो आप देखने वाले, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ माइटर शो की एक पूरी सीरीज़। जी हाँ, इसमें हम तीन अलग अलग टाइप की मशीनरी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ ही साथ उसकी मोटर, उसकी बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। ये कौन सी कंपनी का है, इसकी जो बिल्डअप क्वालिटी है वो किस प्रकार है और किन लोगों को ये यूज़फुल रहेगा, इनकी प्राइस वगैरह क्या होगी और ये कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ये सारी डिटेल डीवॉल्ट कंपनी के इस मशीन के बारे में हम पूरी मालूमात जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कृपया आप वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपकी जानकारी के अंदर बेहद ज़रूरी है और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर आप माइटर शो खरीदने के लिए तैयार है या आप माइटर शो खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना बनता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली बेस पे आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते हैं, तो आज उसी के चलते हुए हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही परफेक्ट एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो एंगल, एल्यूमिनियम और लकड़ा, ये सारे काम में आपको जो मिस्त्री है, जो फैब्रिकेशन वाले हैं और जो लकड़े का काम करते हैं वो, और जो एल्यूमिनियम सेक्शन का काम करते हैं वो, इन तीनों जनों को ये उपयोग में आएगा। देखने के हिसाब से ये सबसे बड़ा बॉक्स है, वीडियो में आपको बड़ा लग रहा होगा मगर ये वैसे सबसे छोटा बॉक्स है, थोड़ा बड़ा बॉक्स है और उसके नीचे सबसे बड़ा बॉक्स है। इसका खास नाम है माइटर शो। ये डीवॉल्ट कंपनी का माइटर शो है जो कि डायरेक्ट हमने कंपनी से आपके लिए स्पेशल मंगवाया हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर जब हमने कंपनी में ने हमने कांटेक्ट किया तो ऐसे बताया कि मार्केट के अंदर हमारे जो डीवॉल्ट कंपनी का है ये वैसे एक एक सौ का भाव 30,000, 40,000 और ये जो हमारे नीचे पड़ा है ये 50,000 से 60,000 रुपये का ये हमारा शो है, प्रोडक्ट है। कंपनी हमने हमें ऐसा बताया है कि ये ऑनलाइन के अंदर भी आपको सस्ते में मिल जाता है, मगर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि इसकी जो वारंटी होती है वो आप क्लेम नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो मोटर वगैरह होती है वो डुप्लीकेट डाल दी जाती है, जिसकी वजह से इसका कॉस्टिंग कम हो जाता है और ऑनलाइन के अंदर आप मंगाते हैं तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। और ये डीवॉल्ट की सबसे खास बात यह है कि इसका सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मेड इन ताइवान का प्रोडक्ट है, ये मेड इन चाइना नहीं है, ये मेड इन ताइवान है। तो बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है और मार्केट के अंदर अभी ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और ये जो है 0.05 mm तक का प्रिसाइज ये कटिंग कर पाता है। तो पूरी डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये सारे प्रोडक्ट, डीवॉल्ट के प्रोडक्ट, स्टेनली के, इंको के, जो भी हमारे सारे प्रोडक्ट जो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं और जो पहले कर चुके हैं, अगर आपको प्रोडक्ट मंगवाने हैं तो किंग टूल सूरत का कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल रहा हूं, और ये सारे जो शो है इसका मैं कंप्लीट आपको जो इसका RPM वगैरह है वो भी बताऊँगा, और इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको डिटेल वाइज बताते चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बॉक्स में से इसको निकाल लेते हैं, नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल। वाओ, पन्नी वगैरह देखे, कितनी बेहतरीन पन्नी है। और ये रहा हमारा सो, इसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, और बॉक्स को हम एक ही हैंड से इसको हम उठा पाएंगे। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत प्रोडक्ट है ये हमारा, परफेक्ट बिल्डअप किया हुआ है, अलाइनमेंट वेलाइनमेंट यहाँ पर सब कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, सेफ्टी वगैरह सब कंप्लीट बताया हुआ है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मैं आपको पूरा एक बार खोल के बता दूंगा। मैं पहले इसको रिलीज़ कर देते हैं जिससे ये ऊपर आ जाएगा, इसके अंदर पीछे लॉक लगा। तो दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, जैसे ही हम लॉक को खोलेंगे तो ये कंप्लीट ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके पूरा ये खुल जाएगा। अभी हम इसको जो इसका सामान है उसको थोड़ा सा हटा लेते हैं और दूसरी वाली जो शो है हम उसको खोल लेते हैं। तो मैं भी आपको बता दूँ, अगर आप नई मीटर शो ले रहे हैं मैत्री शो, तो उसको क्या है कि आपको देख के काम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ये भी लॉक है, ये पूरा लॉक है, पूरा बहुत सेफ्टी के साथ ये दिया हुआ है, कोई भी चीज़ के अंदर ढील नहीं दी हुई है, क्योंकि अब इसका RPM बहुत ज़्यादा है, मैं बताता हूँ आपको। देख,
लॉक हो जाता है, ऐसे करके आएगा भी नहीं, एक बार चालू होगा तब भी नीचे नहीं आएगा, जैसे ही आप इसको लीवर को ऊपर करेंगे फिर ये कंप्लीट नीचे आएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला, ये यहाँ पर इसको एलेंकी वगैरह भी दिया हुआ है, यहाँ पर पीछे रह जाता है, एलेंकी भी यहाँ पर रह जाएगा, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। एसेसरीज़ क्या है वो भी हम देख लेते हैं, कंप्लीट डिटेल आपको बताना है। इसका फिटिंग करने के लिए इसका एंगल दिया हुआ है, ये भी हम फिटिंग करके देख लेंगे। हैंडल दिया हुआ है, हैंडल भी हम लगा देंगे इसके अंदर। और ये रहा हमारा और एक एक्स्ट्रा के हैंडल वगैरह, ये सारे हम हैंडल आपको लगा के बता देंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि तीन प्रोडक्ट हम लोगों एक साथ लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये डीवॉल्ट का हमारा वैक्यूम के लिए पूरा दिया हुआ है, जो वैक्यूम लग जाएगा यहाँ पर पीछे लगेगा ये, यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर डीवॉल्ट का। और इसके अंदर भी आपको एक सेफ्टी दिया हुआ है कि बार बार क्या है कि ख़राब नहीं होगा, इसको आपको खोलना है और वापस से इसको ऐसे लगा देना है, ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से इसको, मेड इन ताइवान है भाई ये, बहुत बढ़िया। तो बॉक्स को हम नीचे रख देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा जो यहाँ पर लग जाएगा, इसमें क्या है कि अगर आप बड़ा कोई सामान रख रहे हैं पाटिया वगैरह तो ये उसको सपोर्ट के लिए है, अगर आप छोटा सामान काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप बड़ा सामान अगर आपको काटना होगा तो ये उसके सपोर्ट के लिए है, ये अंदर तक चला जाएगा। मैं आपको नीचे टाइट करके भी बता दूंगा, अभी क्या है मैं आपको इसको पहले रख के बता देता हूँ। मैं आपको ये यहाँ पर लग जाएगा, ये यहाँ पर लग चुका है और ये भी यहाँ पर लग चुका है। और ये जो हमारा हैंडल है ये आपको यहाँ पर लगेगा, जो इसका एंगल चेंज करने वाला एक हिस्सा आता है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। ये पूरा 100 अभी घूमेगा, ये पूरा 100 एंगल चेंज करेगा। और यहाँ पे ये अभी हम पहले 0 पे ले लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा, ये 0 पे आ गया, ये 0 पे आ गया। सेफ्टी का यहाँ पे दिया हुआ है, हाथ लगाना नहीं है, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट सेफ्टी के लिए दिया हुआ है जिससे आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। और ये रहा हमारा लॉक, जो यहाँ पर हमें उस तरफ नहीं, आपको दिखेगा नहीं, मैं इस तरफ आपको लगा देता हूँ। ये क्या लॉक से आप इसको एक जगह पे टाइट कर सकेंगे। इसके भी डीवॉल्ट की पूरी ब्रांडिंग की हुई है, देख सकते हैं आप। ये 1650 इसका RPM, 1650 वॉट है और 4600 इसका RPM है। और इसके अंदर आपको जो ब्लेड लगेगी, ब्लेड की साइज़ है वो तकरीबन आपको 254 mm की आपको ब्लेड लगेगी, 10 इंची का आपको ब्लेड लगेगा इसमें। इसका भी हम जगह ढूंढ लेंगे ये कहां पर लगेगा, इसको अभी थोड़ा साइड पर कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे दूसरे वाले पे आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, थैली वगैरह हम हटा देते हैं। इसमें भी सारे वही प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, मगर जो 100 है उसके अंदर आपको थोड़ा वेरिएशन आएगा साइज में। सामान में मैं आपको बता दूं, थोड़ा यहाँ पे बता दीजिएगा, वही सारे सामान है, जो एंगल जो उसमें कब्जा था वही यहाँ पे इसका कसने का दिया हुआ है एंगल। और यूज़र मेन्यू, वारंटी कार्ड, हैंडल और इसके अंदर एलेंकी वगैरह बहुत अच्छे से पैक करके एक बार मैं आपको खोल के बता दूं, नहीं तो आप बोलेंगे यार तुमने पूरा बताने को बोला था और बताया नहीं। बता ही देता हूं मैं आपको, ये इसका वैक्यूम मिल गया आपको, इसका वारंटी कार्ड, वारंटी भी देख लेते हैं, 2 साल का इसमें भी वारंटी कमिटमेंट है, सारे भाषा में लिखा हुआ है, इसका मतलब हर जगह पर ये अवेलेबल है और हर जगह पर इसका सर्विस है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगू, फिर हमारा पंजाबी में लिखा हुआ है और संस्कृत में भी लिखा हुआ है। तो ये हर ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये आपको इसका जो सर्विस सेंटर आपको मिल जाएगा।
देखिए ये भी इसका हैंडल है, इसको भी हम लगाएंगे और यहाँ पे इसका बहुत ही बढ़िया एलेंकी दिया हुआ है, देख सकते हैं कितना जाड़ा है। यहाँ पे इसका हेक्सागोनल, इसका 6 पेल वाला यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, वो लगता होगा इसके अंदर, वो भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। जो बाकी का सामान है मैं इसको रख देता हूँ। और ये वाला वैक्यूम वाला हिस्सा भी मैं इसमें रख देता हूँ। सबसे बड़ा वाला जो हमारा मैत्री सो है, ये तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ है 1675 वॉट का ये सो है, एंगल इसमें दिया हुआ है। मैं आपको और सही से बता देता हूँ, बॉक्स के ऊपर आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। देखिए एंगल दिया हुआ है 1900 से लेकर 3800 का, इसका RPM है पर मिनट 2300 वॉट है, और दूसरा एक RPM जो चलेगा वो 1600 से 3600 पे चलेगा। इसके अंदर जो mm है काटने का, जो इसका ब्लेड का रेडियस है 112 mm तक का इसका ब्लेड का रेडियस रहेगा, और इसके अंदर जो ब्लेड लगेगा वो 305 mm का इसके अंदर ब्लेड लग जाएगा। और ये इसके अंदर ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, 10 सेकंड के अंदर आपका ये रुक जाएगा, ये इसके अंदर ब्रेक लगा हुआ है, जिससे क्या होगा इसका RPM बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही आप इसको बटन को बंद करेंगे ये 10 सेकंड से कम टाइम में ये रुक जाएगा। यहाँ पर हमको बताया गया है कि लकड़ा जो होगा वो 110 mm से लेकर 330 mm तक का लकड़े को ये काट सकता है, और ये सारे लकड़े के दिए हुए हैं जो लकड़ा वगैरह है उसका, और एंगल के अंदर ये 108 mm तक का ये एंगल भी काट सकता है, और ये डिग्री इसके अंदर दी हुई है 49 डिग्री ये इस तरह और इस तरीके से घूम सकता है। इसका जो वेट है 26 किलो का इसका पूरा वेट है, और यहाँ पर जो लॉक है वो ब्लेड पूरी लॉक हो जाएगी पाने से, आप वो भी कर सकते हैं। और ये मित्री सो पूरा मीटर सो जो घूमता है वो एक तरफ 50 डिग्री पे घूमेगा और एक तरफ 60 डिग्री पे घूमेगा, और वैक्यूम क्लीनर का भी इसके अंदर आपको सपोर्ट मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब क्या करता हूँ मैं इसके अंदर से आपको इस बार निकाल के बता देता हूँ, मैं आ जाइए। वाह बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ये, बहुत बड़ा प्रोडक्ट। अच्छा मैं आपको ये जो बड़ा प्रोडक्ट होता है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि इसको उठाना मुश्किल होता है, तो मैं इसको आपको लॉक किया हुआ है, मैं एक ही हाथ से इसको उठा के आपको बता देता हूँ। मैं एक सिंगल हैंडेड मैंने इसको उठा लिया है, अभी मैं रख दिया है, और इसके अंदर क्या क्या साथ में आएगा वो भी मैं सारे सामान, बहुत हेवी प्रोडक्ट ये बनाया हुआ है, देख सकते हो इसका हैंडल देखिए, पूरा एल्यूमिनियम का हैंडल दिया हुआ है, ये लगेगा यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर लग जाए, ऐसे करके आप इसको उठा सकते हैं भाई। ये दूसरा हैंडल है वो उस तरफ लग जाएगा, और ये हमारा इसमें भी कब्जा दिया हुआ है एंगल जो मित्री सौ को फिट करेगा, इसको भी मैं लगाऊंगा, स्क्रू वगैरह दिए हुए इसने, और क्या सामान है देख लेते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह है सारा सामान है इसमें, बाकी सब प्लास्टिक है। ओके बॉक्स को हम साइड पे कर देते हैं और आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट पे। आज बहुत सबसे पहला वाला जो हमारा सो है ये DW714 है,
इसके बगल में जो आपको मॉडल नंबर मिल रहा है ये आपको मिल जाएगा DWS 715 मॉडल नंबर मिल जाएगा, और ये सबसे बड़ा जो हमारा सो होने वाला है ये आपको DWS 780 इसका नंबर है, जो आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं। और मैं कंप्लीट इसका प्राइस बताने वाला हूँ। ये जो हमारी जो प्राइस है ये सबका अलग अलग वेरिएबल प्राइस है, 18,000 से शुरू होके आपको 63,000 तक का इसमें प्राइस आपको जाएगा। और कौन सी सो का कितना प्राइस है और क्या उसका रिक्वायरमेंट है ये सारे मैं डिटेल आपको बता दूंगा। मैं दोस्तों ये तीनों तीन मशीन के मॉडल है, इसमें सेफ्टी फीचर क्या है, इनको कैसे हम उठा सकते हैं, क्योंकि ये मशीन जो क्या है हम साइट पर भी लेके जाना होता है। ये जो बड़ा वाला मशीन है ये आप इसको एक जगह पे रख सकते हैं, मगर आपको अगर बाहर काम करने या साइट वगैरह पे काम करने जाना है तो आप ये छोटा वाला भी लेके जा सकते हैं और ये वाला भी लेके जा सकते हैं। अब ये जो मशीन होता है ये भी अपने आप में भी लॉक हो जाता है, जिससे आपको कैरी करने में भी बहुत आसानी रहेगा। तो सबसे पहले हम सेफ्टी कैसे चलेगा और क्या क्या उसके फीचर्स है वो सबसे बड़े वाले मशीन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और सबसे बड़े वाले मशीन के अंदर हम शुरू करते हैं। पहले हम पूरा इसका मशीन का ओवरव्यू देख लेते हैं। पूरा मशीन जो है वो एल्यूमिनियम के अंदर बनाया हुआ है, बहुत ही हाई ग्रेड का एल्यूमिनियम है। यहाँ पर देखिए कोई जगह भी आपको प्लास्टिक नहीं दिखेगा। अंदर पूरा गियर बॉक्स भी इसका एल्यूमिनियम का दिया हुआ है। सिर्फ ये प्लास्टिक का जो इसका कवर है यही आपको सिर्फ प्लास्टिक का मिलेगा, बाकी एक एक स्क्रू एक एक पट्टी यहाँ तक के आपको ये कंप्लीट जो इसका गियर बॉक्स है ये खास करके ये सिर्फ इसका जो कवर है ये आपको प्लास्टिक का मिलेगा। अंदर का कंप्लीट इसका गियर बॉक्स है वो पूरा आपको एल्यूमिनियम का मिलने वाला है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको एल्यूमिनियम मिलने वाला है। यहाँ पर पूरी स्टील की आपको मेजर पट्टी दी गई है। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है ये भी पूरा मेटल है, जिसके अंदर आपको 1 to 45 degree तक का एंगल दिया हुआ है। खास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वायर है वो वायर को यहाँ से डाल के ये पाइप के अंदर से यहाँ पर आगे की तरफ आएगा, उसके बाद ये वायर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जाएगा। ये मशीन के अंदर डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ये वायर फिर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या है कि ये मशीन की खास बात यह है कि इसके अंदर RPM आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पतला सामान काटना है तो उसमें क्या होगा, आप कम RPM पे भी काट सकते हैं। अगर आपको RPM बढ़ाने हैं तो आप इसको ऐसे करके, ये कम कर दिया मैंने 1 RPM पे और ज्यादा कर दिया ये 5 नंबर पे चलेगा, फुल स्पीड में चलेगा। इसके अंदर आप RPM भी मैनेज कर पाएंगे। और यहाँ पर पहले मैं इसको एक बार आपको लॉक करके बता देता हूँ कैसे लॉक होएगा। यहाँ पर मैंने इसको नीचे कर दिया है और ये जो यहाँ पर इसका सिस्टम है ये मैंने इसको लॉक कर दिया है। ये इसका बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। अब मैं आपको एक बार इसका नाप करके बता देता हूँ। तो ये 34 इंची इसका नाप है। वजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर किसी को याद है तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसका वजन कितना है। एक बार मैं आपको बोल देता हूँ 26 किलो वजन है। और ऐसा प्रोडक्ट अगर आपके पास भी कोई माइंड में है या आपको ऐसा कोई अच्छा प्रोडक्ट कम रेंज का भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो भी आपको अनबॉक्सिंग के लिए लेके आ जाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको आपको सीधा करके आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। सेफ्टी फीचर में यहाँ पर देख लीजिए, इसमें लॉक दिया हुआ है ये रहा यहाँ पर। एक बार ये आप लॉक को इस तरफ पुश करेंगे तभी ये ऑपरेट होगा। हल्का सा मैं चालू करके आपको बता देता हूं। मैं देखिए ये हल्का सा चालू, अभी मैं इसको चालू करूंगा तो ये चालू नहीं होने वाला है क्योंकि ये लॉक यहाँ पर एंगेज है। जैसे ही मैं ये लॉक को रिलीज करूंगा ये देखिए चालू हो जाएगा हल्का सा। और सबसे खास बात इसके अंदर आपको LED सिस्टम दिया हुआ है, जिससे क्या होगा आपको जो मार्किंग किया हुआ है वो मार्किंग की जगह पे आप काम कर सकते हैं सही से। पहले मैं इसको लॉक को अनलॉक कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं आपको LED बता देता हूँ। यहाँ पर LED का स्विच दिया हुआ है ऊपर, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये यह जैसे मैंने स्विच को चालू किया यहाँ पर LED आ चुका है, और देखिए आप ये कम्प्लीट आपको LED मिलेगा यहाँ पर, जिससे कि क्या है आप कम्प्लीट आपको आइडिया आ जाएगा। 12 इंची का इसमें बल्ब लगा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कितना भी आप इसको बहुत हाई मटेरियल से इसको बनाया हुआ है, आप आवाज सुन पा रहे हैं कितने इसके अंदर सेफ्टी दिया हुआ है। और ये जो सो है ये S मॉडल का सो है। इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास लंबा वाला कोई लकड़ा आपने लगा हुआ है पाइप वगैरह जो है तो आप इसको आगे पीछे करके देखिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर, ये समझिए यहाँ पर हो गया कितना ज्यादा ऑपरेट कर पा रहा है। देखिए इतना लंबा आप इसको ऑपरेट आगे पीछे करके कर सकते हैं।
ये पूरा आगे पीछे होगा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ऑपरेट होगा। और आप यहां पर भी मैं आपको बता दूं, देखिए बुनिया 2.6 mm यहाँ पर दिया हुआ है, ये वुड का इसके अंदर अभी ब्लेड लगा हुआ है, 12 इंची का इसका ब्लेड है और ब्लेड की साइज है 305। ये उल्टा है तो यह मैं आपको बता देता हूँ, 305 की ये ब्लेड की साइज है, बहुत ही हैवी क्वालिटी की इसकी ब्लेड है, सेफ्टी के अंदर कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। इसके अंदर मैं अटैचमेंट आपको बता दूं, ये जो अटैचमेंट है ये भी आपका निकल आएगा ऐसे करके, इसको आप छोड़ सकते हैं नीचे, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है। ये किस लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पीछे इसके अंदर आपको ये एल्यूमिनियम का जो टाइट करने वाला है एंगल चेंज करने के लिए, वो भी आपको एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, देख सकते हैं यहां से मैंने इसको लूज कर दिया है। अब मैं इसका एंगल चेंज करूंगा, ये पूरा एंगल 45 डिग्री तक चला जाएगा, देखिए ये कहां पर आ गया, ये 45 डिग्री पे आ चुका है। अब मैं इसको टाइट कर देता हूं और एक बार आपको ऑपरेट करके बता देता हूं, और ये इस तरह ऑपरेट हो जाएगा, देखिए कितना प्रिसाइज है। इसके अंदर एक बाल बराबर भी, रत्ती बराबर भी मुझे प्ले नहीं दिख रहा है, इतना हैवी प्रोडक्ट है। ऐसा लग रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मर जो मूवी चलता है ना उसके अंदर कैसा सब नया नया प्रोडक्ट होता है जो हमने कभी देखा भी नहीं होता है, उसी तरीके का ये प्रोडक्ट मैं देख पा रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा नीचे चला गया, कवर भी अपने आप ऑपरेट हो रहा है, कवर भी अपने आप ऑपरेट हो रहा है, उसको आप कंप्लीटली आगे पीछे कर सकते, देख सकते 45 डिग्री पे है, ये आइडियल इसका डिग्री है 45 डिग्री। आपको अगर कोई लकड़ा वगैरह या एल्यूमिनियम सेक्शन अगर आपको जोड़ना है तो 45 डिग्री है वो आइडियल डिग्री है, अगर आपको उससे ज्यादा भी करना है तो इससे ज्यादा भी जाएगा, देख सकते हो ये, देखिए ये यहाँ तक 49 तक ये चला गया है, मगर हम इसको 45 पे रखेंगे, ये 30 पे आ गया और हम वापस इसको 0 पे कर देंगे, हमने इसको 0 पे कर दिया है। अब हम दूसरा एक आपको बताने वाले हैं कि ये जो पूरा स्टैंड है, ये जो पूरा बेस है, ये पूरा बेस घूमता है, वो भी मैं आपको बता दूं वो कैसे घूमेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको लगाना भी बहुत आसान है, देख सकते आप, लगा दिया, हो गया कंप्लीट, बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो जाता है ये। अब ये जो नीचे का बेस है, क्योंकि ये माइट्री सॉ है तो इसके अंदर क्या है कि हमको इसको पूरा बेस भी घूमता है, यहाँ पर एंगल सेट करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक लीवर दिया हुआ है, ये अभी लीवर को इसको नीचे करेंगे तो लॉक हो जाएगा, और जैसे ही हम लीवर को ऊपर करेंगे ये फ्री हो जाएगा, और ये जो वाला बटन है इसको हम पुश करेंगे तो ये पूरा एंगल चेंज होगा। यहाँ पर ये 650 तक का एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए ये यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, यहाँ पर ये 60 तक जाएगा, ये रहा पूरा एंगल चेंज कर दिया इसने, पूरा एंगल चेंज कर दिया, देख सकते हैं पूरा इसने एंगल चेंज कर दिया। अब मुझे अगर ऑपरेट करना हो मैं एक बार आपको चालू करके बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 सेकंड से कम में ये रुक जाता है। अभी मैं इसको फुल आरपीएम के अंदर आपको चालू करता हूँ, देखता हूँ कितने सेकंड में रुक पाता है ये। पहले मैं इसको पूरा कवर को ऊपर कर देता हूँ, चालू करके मैं आपको बता देता हूँ, फुल आरपीएम है ये इसके, सात सेकंड के अंदर ये पूरा रुक गया। इसके अंदर ब्रेक लगी हुई है जिसकी वजह से जल्दी रुक जाएगा। जो दूसरे मार्केट में जो सो आते हैं वो क्या करते हैं कि आप जैसे ही उसको बटन को छोड़ेंगे आपको तकरीबन 15 से 20 सेकंड आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो रुकेगा, उसके बाद में अपना दूसरा ऑपरेशन काम करूं, तो वो इसके अंदर नहीं होगा। 7 सेकंड के करीब बहुत ही कम समय के अंदर ये स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ब्रेक है, अगर आपको एंगल घुमाना है वापस से आप इसको एंगल ऐसे करके पूरा घुमा दीजिए, पूरा आपका बेस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए 22.5 इसके अंदर आपको mm के अंदर भी हिसाब मिल जाएगा। अगर आपको 31.6 ये इसके आइडियल नंबर्स है जो इसके अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो लकड़े वगैरह का एल्यूमिनियम वगैरह का काम करते हैं, तो ये उसके अंदर पूरा आइडियल नंबरिंग किया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ आइडियल। तो यहाँ पर जैसे 31.6 के अंदर मैंने इसको लॉक किया, अभी ये लीवर है मुझे इसको ब्रेक मार देना है, तो मैं ऐसे करूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, अब ये किसी भी तरह पे ये जाएगा नहीं। अगर ये ऐसे हिल रहा है तो यहाँ पर इसको कब्जा दिया हुआ है, अगर आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो आप तो इसको टेबल पर लगा के ऑपरेट करेंगे या तो जमीन पे ऑपरेट करेंगे, तो यहां से ये कंप्लीट फिटिंग हो जाएगा।
ये भी पूरा एल्यूमिनियम है, ये देखिए कितना शाइनी एल्यूमिनियम है। यहाँ पर बताया गया है हाथ रखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा ये ब्लेड चलने वाला है, ब्लेड का कवर आपको मिल जाएगा और वैक्यूम आपको यहाँ से कंप्लीट सक्शन करेगा। जैसे ही ये चलेगी आपकी ब्लेड, जो भी कचरा इसका निकलेगा वो आपको यहाँ से सक्शन करके ये वैक्यूम के अंदर खींच लेगा। यहाँ पर हम और एक फीचर में आपको बता दूं, अगर आपको ये स्लाइडिंग वाला फीचर यूज नहीं करना है, पहले मैं इसको एक तरफ कर देता हूँ ब्रेक को रिलीज करके, तो आपको ज्यादा बेहतरीन में बता पाऊंगा। तो मैंने इस तरफ कर लिया, इसको प्रेस करके पूरा मैंने 60 पर इसको रख दिया है और वापस इसको मैं ब्रेक मार देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अब ये जो यहाँ पर एक सिस्टम है जो पूरा आगे पीछे हो रहा है, देखिए ये पूरा आगे। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिंगल एक जगह पे रख के काम करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो इसके अंदर यहाँ पे लॉक दिया हुआ, जैसे ही मैं लॉक को यहाँ पे रखूंगा ये लॉक हो गया। अब ये एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, ये आगे पीछे नहीं होगा, ये आपका एक ही डायरेक्शन में फिक्स हो गया। देखिए पूरा ये पूरा नीचे तक। अभी इसके अंदर हमारे बहुत से व्यूअर्स कहेंगे कि ये इतना बड़ा कैसे काट पाएगा, तो मैं आपको नाप के बता दूं कि ये जो हिस्सा है ये तो पूरा इसके अंदर चला जाने वाला है, यहां तक तो नापेगा। अब ये कितना काट सकता है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों 5 इंची का पूरा ये लकड़ा काट सकता है, 5 इंची का, क्योंकि इसकी यहां से लेकर यहां तक पूरी इसकी 5 इंची है। तो अगर 5 इंची का लकड़ा आप यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरी कंप्लीट 5 इंची तक का आराम से लकड़ा ये एल्यूमिनियम सेक्शन होगा वो काट देगा। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मोटर इसकी तकरीबन 1675 वॉट की इसकी मोटर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 1675, और ये 1900 से लेके 3800 आरपीएम तक जाएगा। 1 नंबर पे ये 1900 आरपीएम पे चलेगा और 5 नंबर पे ये 3800 आरपीएम पे चलने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो डायमीटर है वो 305 का डायमीटर है। और ये पूरी जो 100 का वजन है, ये वजन में आपको वेट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 26 किलो का इसका पूरा वेट है। एलईडी का लाइट है जो मैं अब बंद कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको चालू करके भी आपको कंप्लीट बता दिया है। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे वाले प्रोडक्ट की तरफ। स्टॉप।